अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। कहते हैं वलियों के रंग भी अजीब होते हैं, और जैसे वो नज़र आते हैं वैसे देखते नहीं, और जैसे देखते हैं वैसे नज़र नहीं आते। वलियों की शान ही अपनी अलग है, उनका जलाल अलग है, उनके कमाल अलग है। उनके अंदर खुदा ने वो नेमतें रखी हुई होती हैं जो हर इंसान चाहता है कि उसके अंदर भी आएँ, और वही इंसान जो है वो अट्रैक्ट होता है उन खसूसियात की तरफ से, उन तजलियात की तरफ जो खुदा की तरफ से उन्हें देन होती हैं। इन्हीं बुज़ुर्गों में जो है वो शाह इनायत का भी नाम शामिल है, जो अपनी तजलियात और अपने इल्म और अपनी अकल और दनाई की वजह से जो है वो इस खत्ते में उस वक्त मशहूर हुए जब यहाँ के लोगों को इस्लाम के बारे में नहीं पता था। उन्होंने यहाँ इस्लाम की तबलीग की और अपने इल्म और अपने फ़न और अपने किरदार और उसने माशरत से जो है वो उन्होंने यहाँ के लोगों के दिल जीते। आज हम इन्हीं के दर पर आए हैं, आए चलते हैं आगे, देखते हैं आपके लिए और क्या है, और उनके दर की ज़ियारत करते हैं और जानते हैं उनके बारे में। नायत जिस मस्जिद के इमाम थे वो भाटी गेट के पास है, जो दादा दरबार के करीब है। वहाँ जो है वो ऊंची मस्जिद के नाम से मशहूर है। वहाँ वो इमामत करते थे और लोगों को दरस कुरानी भी देते थे, और दरस इल्मी के साथ साथ जो थे वो रूहानियत के दर्स देने के साथ साथ इंसानियत का दर्स भी दिया करते थे। यहाँ पे जो है बाहर मस्जिद के सहन है, और बीच में जो है मस्जिद के जो है वो शाह इनायत का जो है वो मज़ार है, और उसके चारों तरफ जो है वो मस्जिद है। मस्जिद के सेंटर पॉइंट में है, और कुछ यहाँ के जो खलीफा जिस जिस दौरान में या वक्त में जो है वो यहाँ पे इन्होंने खिदमत अंजाम दी, उनकी भी जो है यहाँ कब्रें मौजूद हैं। शाह इनायत जो हैं वो 1643 में जो है वो पैदा हुए। इनके वालिद का नाम जो था वो मौलवी पीर मोहम्मद था, जो कसूर के एक मस्जिद के इमाम थे, और रूहानी पेशवा भी थे, और उसके साथ साथ सूफ़ी बुज़ुर्ग भी थे और फ़लसफ़ा भी जानते थे। तो उन्होंने बेसिक तालीम जो है वो अपने बेटे को दी। अगर इससे और आगे जाएँ तो शाह इनायत का सिलसिला जो है वो हमें जो है वो दमिश्क से जाके मिलता है, जो मौजूदा शाम यानी कि सीरिया है उसका एक शहर है दमिश्क, वहाँ से जो है वो हमें इनके मिलता है कि ये वहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं इनके ख़ानदान वाले और आबाओ अजदाद। और ये जो है मोहम्मद बिन कासिम के साथ जो थे इस पाको हिंद की तरफ आए, और यहाँ पर जो है वो रहने लगे, और यहाँ पे जो ज़्यादातर सेटल हुए वो लाहौर में सेटल हुए, और उसके बाद जो है यहाँ से मुख्तलिफ़ जगह पर फैले।
इनके वालिद गिरामी जो है मौलवी पीर मोहम्मद जो थे वो कसूर की एक जामा मस्जिद थी, वहाँ के जो थे वो ख़तीब भी थे और जुम्मे के दिन जो है वो खुतबा भी दिया करते थे। और उन्होंने अपने बेटे की जो है वो तालीम जितनी वो दे सकते थे उन्होंने वो तालीम और तरबियत की। जब वो तकरीबन 5 से 6 साल के हुए तो वो हाफिज़ कुरान हो गए थे, और उसके साथ साथ जो है उनके वालिद ने उस वक्त के जो मशहूर उलमा थे उनको तरफ उनकी तरफ रुख किया और अपने बेटे को भेजा, जहाँ से उन्होंने जो है वो दुनियावी अलूम हासिल करने के साथ साथ जो है वो इल्मी अलूम भी हासिल किया, और उसके साथ साथ रूहानियत के दर्जे तक उन्हीं उस्तादों से होते हुए पहुँचे। और अपने जो उस वक्त के जो मशहूर उनके उस्ताद थे, इन्होंने जो है मुख्तलिफ अलूम में जो है वो तरबियत ली। इनके जो उस्ताद थे दुनियावी तौर पर जो है वो सैयद अबुल नसर उर्फ जो है अलमारूफ जो है वो सैयद इलियास रहमतुल्लाह थे, और इसके साथ साथ मौलाना अब्दुल हादी जो थे वो थे, उनसे जो है इन्होंने उलूम मारफत और इल्म दीन जो है तदरीस का काम सीखा। इनके जो रूहानी उस्ताद थे और रूहानी जो पेशवा थे बाबा इनायत के, वो हज़रत सईद मोहम्मद मोहम्मद अली रज़ा कादरी अल शत्री थे, जिनका सिलसिला जो है वो कादरिया सिलसिले से जुड़ा हुआ था। अब्दुल शेख कादिर जलानी सरकार के जो थे वो मुरीदों में से और उनकी शजर नसब से जो है वो चले आ रहे थे। उनसे जो रूहानी फैज़ मिला इनको, तो वहाँ से जो है इनका इल्म माफ़रत का और मकबूलियत का और दनाई का जो है वो सिलसिला जारी हुआ। जब इन्होंने अपना रूहानी फैज़ हासिल कर लिया अपने उस्ताद से, तो उनको हुक्म हुआ उस्ताद की तरफ से कि जाओ और जो है वो इस इल्म को फैलाओ। तो वो वापस जो है वो अपने जो है वो कसूर में आए और यहाँ पे इल्म व तदरीस जो है वो करने लगे। यहाँ के कुछ लोग थे जो इन्हें तंग करने लगे और इनको धमकियाँ देने लगे, तो उसके बाद जो है ये दोबारा जो है वो लाहौर चले गए, और लाहौर में जाके जो है वो मौजूदा भाटी गेट जो है उसके करीब जो है वो एक ऊंची मस्जिद है, वहाँ जो है वो उन्होंने अपना डेरा डाला और वहाँ पर जो है वो इमामत भी की इन्होंने और तबलीग भी करने लगे और इल्म फैलाने लगे और तदरीस यहाँ पे शुरू की। और आहिस्ता आहिस्ता लोगों जो है वो इनकी इल्मी काबिलियत पे, इनकी रूहानियत पे और इनके अपने किरदार से जो है मुतासिर होकर जो है वो इनके गिर जमा होने लगे और अब फैज़ हासिल करने लगे। शाह इनायत जो है थे वो बेसिकली लाहौर में जब आए तो उन्होंने जो है वो यहाँ पर कुछ ज़मीन जो है थे वो ख़रीद ली थी और कुछ आबाव अजदाद की भी थी, और यहाँ पर जो है उन्होंने खेतीबाड़ी शुरू की, और उसके साथ साथ इनके यहाँ बागात भी थे और बागबानी भी किया करते थे, और यहीं पर जो है वो इनका बसेरा भी था और यहीं पर जो है वो इनकी क़्यामगाह भी थी। कहा जाता है कि कुछ लोगों की रिसर्च भी है कुछ उलमा की कि शाह इनायत जो थे उन्होंने जो है उनके ख़ानदान ने जो है यहाँ पे जो है वो मोहल्ला गनी की भी बुनियाद डाली, जो हमारे जो तीसरे खलीफा हैं हज़रत उस्मान गनी से भी उनका ताल्लुक़ बताया जाता है। और यहाँ पे उन्होंने जो है वो एक मोहल्ला गनी की बुनियाद डाली और वहाँ पे उनके अपने आबाव अजदाद जो है वो रहने लगे, और वो मोहल्ला आहिस्ता आहिस्ता जो है वहाँ से इल्म की किरणें जो फूटी और वहाँ से फैलती हुई जो है वो आप पूरे पाको हिंद में जो है उनका नाम लिया जाता है और लोग जानते हैं इनके इल्म से, इनको इनके किरदार से और इनके जलाल से। इनायत शाह के जो है वो दो औलाद थी, बेटे थे जो हमें मिले हैं उनका ज़िक्र, और उनकी साथ में कब्रें भी हैं।
इनके बड़े बेटे का नाम जो था वो शेख मोहम्मद जाहिद था, जो बाद में जो है इनके गद्दी नशीन भी बने, और उन्होंने भी जो है वो इल्म माफरत अपने वालिद साहब से हासिल किया और इस चार दीवारी से बाहर निकल के उसको फैलाया। और इसी तरह छोटे बेटे जो थे वो शेख मोहम्मद जमान थे, उन्होंने भी अपने वालिद के नक्शे कदम पे चलते हुए जो है सूफीज़म को अपनाया और अपना सूफीज़म में नाम पैदा किया, और लाहौर और इस पाको हिंद के हिस्से में जो है वो अपने वालिद के शाना बशाना आगे काम किया और वालिद साहब के मिशन को आगे पहुँचाया, यानी कि वो इल्म और वो शऊर लोगों में बेदार किया जो इस्लाम की बुनियाद है, और वो खुदादारी और इल्म आगे फैलाते गए, और वही नतीजा है कि आज वो अपने वालिद के पहलू में जो हैं वो दोनों बेटे जो हैं वो आराम फरमा हैं। बिल्कुल ठीक ठाक। आपका नाम? अब्दुल मजीद निगरान, बाबा नायशा कादरी। कितने अरसे से हैं आप यहाँ? 12 साल हो गए। वो आप बाबे की यहाँ खेती बाड़ी थी है जी, यहाँ बाबा बुल्ले शाह वहाँ से निकले, बाबा बुल्ले शाह ने यहाँ गुजरे, बाबा बुल्ले शाह ने दो आम तोड़ लिए, तो बाबे नायशा ने कहा ये आम किस जाजिद के लिए पूछ कर तोड़े नहीं तुमने? उस बाबा बुल्ले शाह ने कहा सरकार गलती होगी मुझे माफ़ कर दो। उन्हें कहा बाबे नायशा ने कहा नहीं अंबा नू कहा अपने आप अपने टाने लग जाने। बाबा बुल्ले शाह ने कहा सरकार के टुट गए ने कितने लग गए? उन्हें चल अंबा नू थले रख, अंबा नू थले रखा, बाबे नायशा ने इसम पढ़िया अपने अपने टाने नाल अंब जा लगे। बाबा बुल्ले शाह जा कदमों में नीचे गिर गए, बाबा जी मुझे बैत कर लो। उसने इतनी छेती बैत नहीं होता, मेरी शर्तें हैं तीन, ये करो पूरी, एक चिट्टी घोड़ी हो, एक चिट्टा लिबास हो, मिठाई की टोकरी हो और कंगनों का जोड़ा हो, ये ले आ तो मैं आपको बैत कर लेता हूँ। बाबा बुल्ले शाह ने कहा हम तो गरीब आदमी हैं, हम कहाँ से घोड़ी देंगे? उन्हें नहीं देते क्या फिर? तो बाबा बुल्ले शाह ने निजत पैड़ी कर ली, उन्हें क्या मुर्शिद भी लभ्या तो को उन्हें अभी मैं पा दिया, तो चल रावी डुब मारने। बाबा बुल्ले शाह ने कहा, उसने निजत पैड़ी कर ली बाबा बुल्ले शाह ने, वो रावी वाले टुर पे। बाबे नायशा ने कहा भी इसने निजत पैड़ी कर ली है, ते बाबे नायशा ने कहा भी चल वे चलिए, चिट्टी घोड़ी भी ले ली, चिट्टा लिबास भी ले लिया बाबे नायशा ने, टोकरी मिठाई भी ले, कंगना दे जोड़ा भी पा लिया, घोड़ी दे नकाब पोश हो गए, मुर्गा उच नकाब पोश हो गए ने तुर पिया। कोई रावी के कंडे से थोड़ा जहा पहुंच जाए तो अगे बुल्ले शाह लागा जा रहा, उन्हें सलाम अलैकुम जी वालेकुम सलाम। उन्हें कहा यार बेलिया मेरी घोड़ी का ख्याल रखी, तो यह टोकरी से यह चिट्टा लिबास या कंगना जोड़ा है, तो मैं जरा रावी डुबी मार ना लवा। वो बाबा बुल्ले शाह फड़ा के तो बाबा नायशा आपदा डुबी मारी रावी च, वह झट वे अद्धा घंटा वे दो घंटे वे बाबे बुल्ले शाह ने कहा डुब गया मर गया, क्या चला रुड़ गया।
बाबे बाबा नैशाह के मुकाम से आ गया। इन्हें उच्ची पौ से मस्जिद है पाटी उसे सरकार मामद ग्रां से होंगी सी है जी उसे गए चला तो शाम हो गई। बाबा बुले शाह से खड़ा रहा कोई गलबात नहीं। फिर उस बाबा जी हो गया तो खाओ पिया हो गया तो उन्हें कहा चल चलिए घोड़ी भी मिल गई चिट्टा लिबास भी मिल गया सब कुछ शर्तं पूरिया हो गई तो चल हूँ बाबे को चलिए। बाबे नैशा को आ जाता घोड़ी चल वेख्या तो आ गया बेली उन्हें घोड़ी उसे बन दे बेलिया घोड़ी बन दी उन्हें लो सरकार घोड़ी भी आ गई जे चिट्टा लिबास भी आ गया जे मठियाई का टोकरा भी आ गया जे ते आ कंगना जूड़ा भी आ गया जे तो मैं बैस कर उन्हें चल वजू कर गया सरकार वजू करके गए तो वजू करके सरकार ने दस्त पंजा आज उन्होंने बैस किया बैस करके उन्होंने इसमें इसमें पढ़िया तो चलो जी बाबे को फिर रहना शुरू कर दिया। बाबा बुले शाह ने बारह बारह चौबीस साल रहा बाबा बुले शाह कोई जिलम वाला आया कोई अखा वाला हो गया तो एक दिन बाबा बुले शाह कहिंदा सरकार मैं जरा पिंडोड़ा हो जावा उन्हें सवेरे जाए चल ठीक है। अगे लोग पैदल जाते होंगे सी बादशो बाबा बुले नैशा ने अपनी बीवी ने कहा भी दो एक रोटी सही पकानी एक रोटी सड़ी पका देनी ते उन्हें एक रोटी सड़ी पका दी एक रोटी चंगी भली पका दी तो दो फाड़िया अंब दिया दो गंढे दिया कुछ सालन वो बन गए नहीं तो बाबा नैशा कहना लाया बोलिया कितने तेन भुख लगे नहीं उत्थे बह के खा लेनी। बाबा बोले जा चल सौ चल चल सौ चल अगे सुबह सुबह निकल जाते थे जेब अगे रख बच गया उत्थे बादशाह खूह जुपया खूह जुप गए जुपया तो उत्थे जाके बाबा ठंडी थां सी दोपहर का टाइम से ते बाबे बोले शाह ने कहा चल यार भुख लगी तो रोटी दिखाइए सरकार रोटी खोलन लगे ने ते कनका पोज तू आ गया घोड़े का उन्हें सलामकुम जी वालेकुम सलाम उन्हें कहा बाबा जी रोटी खाओगे बिल्कुल खावे जी उन्हें रोटी खोल ली कि सड़ी रोटी से नहीं एक फाड़ी गले वो बाबे नैशा ने देते उन्हें कहा भूलिया तेन सारी रात समझा दी तू समझा नहीं है उन्हें आहो हो इसे मेरा मुर्शिद निकलिया इन्नी गल कह के नहीं बाबा नैशा आपका टुर गया के टुर गया उन्हें कहते मेरा मुर्शिद रुस गया पांडो की पिंड चला जाता है आदि माई बाप न मिलया भैन भरावान मिलया रिश्तेदारों मिलया माँ प्यो नू कहता बाबा मेरा तो मुर्शिद रुस गया माँ प्यो ने कहा ठीक जाके मना है उन्हें ठीक फिर उतों फिर इन्हें घरों तुर पे तो इतने बाबे को नहीं आता तो हीरा मंडी चला जाता उस फिर किसी कंजरी के नाल उन्हें नचना त्रप्पना बाबा बुले शाह सीख्या सीख के तो उन्हें महीना रहा या साल रहा कंजरी को इतने उन्हें खेतीबाड़ी इतने तो मलास इतने फिर कंजरी भी आई तो बाबा बुले शाह भी आया फिर बाबा बुले शाह ने तमाल पाई चंगे तमाल किनू कहते ने बादशाह पाए फिर बाबा बुले शाह नैशा की चोली च डिगा उन्हें कौन मैं बोला है जी फिर उन्होंने गल ना लाया फिर उस तरह होया इलम होया है जी उन्हें जा बोलिया हूँ बाबा कसूर टुर जा अपने तेरा ना ज्यादा है मेरा ना घट
अनायशा जो थे वो सबसे ज़्यादा जो है वो अरबी और फ़ारसी में जो है वो अपना कलाम या अपनी जो है वो तसनीफ़ात जो हैं वो उन्होंने लिखी हैं, और उर्दू में बाद में उनका तर्जुमा हुआ है। और शाह अनायत की बहुत सी जो है वो तसनीफ़ात भी हैं, वो लिखते भी थे और बहुत कमाल लिखते थे। उसमें से चंद जो मशहूर किताबों में से जो है वो उनके चंद नाम जो है वो दस्तरुल अमाल है, अमल है आपके पास, और दूसरा जो है इस्लाहुल अमल है, और तीसरी जो बुक है इनकी वो है लताइफुल गैबिया है, और चौथी जो है वो चौथी बुक जो है वो इसरारुल तालिबान है। और इसके अलावा इन्होंने कई जो है वो किताबें लिखी जो आज भी जो है वो मार्केट में अवेलेबल हैं, और इनकी चंद किताबें जो हैं वो पंजाब यूनिवर्सिटी ए में पढ़ाई भी जाती हैं, और उसमें जो है वो फ़िक्र से रिलेटेड जो है उसमें पीएचडी भी होती है। अनायशा की जो है वो दरबार में हाज़िरी थी, और हाज़िरी से महसूस हुआ कि इनका जलाल उस ज़माने में कितना होगा, और ये कितने जलाली थे उस ज़माने में कि लोग इनसे डरते भी थे, और इनसे फैज हासिल करने के लिए जो है इनके पीछे पीछे मारे मारे भी घूमते थे। उसी में जो है आप बुल्ले शाह को भी ले सकते हैं, वारिस शाह को भी ले सकते हैं। बुल्ले शाह पे बज़ाहिर हमने जो हिस्ट्री पढ़ी उसमें ऐसा लगा कि जैसे बुल्ले शाह सरकार पे जो है वो इन्होंने बहुत सख्ती की और बहुत सख्त हाथ रखा। मेरे हिसाब से जहाँ तक हमारी नॉलेज है कि ये एक वली जो है, एक सूफ़ी जो है, एक फ़िलासफ़र जो है, या एक वली अपने जब दर्जे पर पहुँचता है तो उसने इतनी मंजिलात तय कर ली होती हैं कि वो अच्छा बुरा अपने शागिर्दों का जानता है, इंसानों का जानता है, इसलिए वो उसके हिसाब से मिजाज के हिसाब से जो है वो उन पर सख्ती और नरमी करता है। जितनी मेरा हिसाब से बुल्ले शाह सरकार पर सख्ती बताई गई है या कि अनायशा ने, उसका नतीजा आगे जाकर उनको मिला कि बुल्ले शाह जो है उस किस्म की शायरी करने लगे, उस किस्म का जो है वो किस्म का जो है या उस लेवल का इश्क अपने उस्ताद से करने लगे जो आज तक जो है वो लोगों के ज़बान पर है। बुल्ले शाह जो है उन्होंने अपने उस्ताद को इतना उजागर किया कि अपनी शख्सियत को जो है वो बिल्कुल अपने ख़त्म कर दिया। इसीलिए जब बुल्ले शाह को अक्सर जो लोग पूछते हैं कि बुल्ले शाह कैसे पढ़ा, जब ओरिजिनल नाम जो अब्दुल्ला था, बुल्ले शाह का इसीलिए पढ़ा कि वो भूल, उन्होंने अपनी ज़ात को जो है भुला दिया, भूल गए अपने आप को, और सिर्फ अपने उस्ताद, अपने चहीते उस्ताद, अपने जिनसे वो इश्क करते थे उसमें जो है वो अपने आप को जम कर लिया। जो भी बात होती थी, जो कुछ भी होता था, अपने उस्ताद के लिए करते थे, चाहे उनकी तारीफ में हो, चाहे लोगों को उनके बारे में बताना हो, चाहे कुछ भी हो। आज हम अनायत शाह के दरबार पर हैं और यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि कितना सुकून है, कितना जो है आपको कल्बी और जहनी और जिस्मानी और रूहानी सुकून और फैज़ है। बाबा यानी अनायत शाह का वो जुमला आज भी तारीखी तौर पर याद है। जब मैं भी इनके दरबार में दाखिल हुआ तो जब इन्होंने अपने शागिर्द यानी कि बुल्ले शाह को कहा था ए बुल्लिया मेरे दरबार बिच ना बढ़ी, तो वो इतने डिसार्ड हुए थे, और उसके बाद जो है वो यहाँ से जो थे वो कुछ कहते हैं कि लाहौर में जो अनारकली है वहाँ पर जो है उन्होंने गए, और चंद गवैयों के साथ जो है उन्होंने तकरीबन एक साल वहाँ पर गुजारा, और वहाँ से जो है वो उन्होंने रक्स सीखा, डांस सीखा, नाचना सीखा, घुंघरू बांधकर, और जब एक साल पूरा हुआ और इनका जो है वो उर्स आया तो उस पर जो है वो आए और यहाँ पे इजाज़त ली उन्होंने, और फिर जो है वो घुंघरू पहन के नाचे। अनायशा सरकार जो है आज भी जो है इनका वो सिलसिला जारी और सारी है, पिराने पीर दस्तगीर गौसे आज़म के सिलसिले से जुड़े हुए हैं, और उन्हीं की अशात जो है वो आज भी यहाँ पर जो है वो ज़ोरों शोर से जो है वो जारी है, और यहाँ लोग जो हैं वो जोग दरजोग जो हैं वो आते हैं और इनसे फैज़ हासिल करते हैं, इनके मज़ार पर जो है वो हाज़िरी देते हैं, इनके लिए फातिहा करते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं, फूल चादर और खुशबू और अगरबत्तियाँ जो उनसे हो सकता है वो यहाँ पर आकर करते हैं, और अपनी जहनी दिली और जिस्मानी सुकून के साथ साथ जो है वो रूहानी तरबियत का भी सबब बनते हैं और यहाँ से हासिल करते हैं, और वापस अब बहुत सी मनते मुरादें या रख के वापस जाते हैं और अपनी ज़िंदगियों में कामयाबियाँ हासिल करते हैं। और 27 जो है जमातुल सानी है, इनका उर्स की तारीख है, और यहाँ पे 3 रोज़ा जो है वो मेला लगता है, हर 27, 28 और 29 जो है वो जमातुल सानी को जो है वो यहाँ पे इनका मेला मुकद्दर उर्स मुनक्किद होता है, और उसके साथ साथ एक मेले का समा होता है, और दुनिया जहान से लोग जो है इल्मी फैज़ की तलब की खातिर जो है वो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आकर अपने जो है वो अपने आप को पेश करते हैं और अपनी मनते मुरादे जो हैं वो पाते हैं।
अस्सलाम वालेकुम। शाह इनायत के दर पे ना सिर्फ आम पब्लिक आई या आम आवाम आई, बल्कि बहुत सारे सूफी कराम और जो है वो इल्म के तालिब वो लोग भी आए यहाँ पर, जो रूहानियत में थे और किसी जगह पे फंसे हुए थे या अपनी रूहानी सिलसिले में जो थे वो किसी अपने मुर्शिद को या अपने उस्ताद को ढूंढते हुए यहाँ पर आए। और इस तरह जो है ये बहुत से सूफियों के भी जो है वो उस्ताद कहलाए और इन्होंने यहाँ पर बहुत से नामवर जो है वो उस दौर के जो है वो उल्मा पैदा किए, यानी कि उन्हें तालीम दी और उन्हें जो है वो आगे बढ़ाया। मेरी वीडियो आपको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा अगर अच्छी लगी हो तो, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अस्सलाम वालेकुम।